वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे हमारा टॉन्सिल से रिलेटेड जो हमारा आखिरी टॉपिक रहता था, दैट इज क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस वो आपने अच्छे से इसलिए करना है बिकॉज इसका SEQ पूरा पूरा आया हुआ है, मतलब एक पूरा सिनेरियो की तरह दो तीन दफ़ा पास्ट पेपर है, मतलब ये रिपीट हुआ है पास्ट पेपर में SEQ की फॉर्म में। और उसमें आपने डायग्नोसिस बताना था, पेशेंट की क्लिनिकल फीचर्स बताने थे, ट्रीटमेंट बतानी थी, तो मतलब ये पूरा टॉपिक आ गया। तो आप इसको अच्छे से कर लें, इंतहाई आसान बचकाना सा टॉपिक है। इसमें क्या बात है जी, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, जिस तरह हमने एक्यूट पढ़ा कि अगर आपकी हिस्ट्री जो है वो 3 महीने से कम की होती है तो वो एक्यूट होता है। और क्रॉनिक का मतलब है कि 3 महीने से पहले की ज्यादा की हिस्ट्री है पेशेंट की और मुसलसल रिकरेंट अटैक्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस हो रहे हैं, तो वो हमारे पास कंसिडर किया जाता है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, अच्छा कॉजेज इसमें क्या क्या आती हैं? सबसे पहली बात तो ये हो सकती है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हुआ था बच्चे को और उसके बाद वो देखने में ठीक हो गया, मतलब जाहिर तौर पर रिजॉल्व कर गया, लेकिन हुआ क्या था एक्चुअली कि अंदर टॉन्सिल के, ये अगर टॉन्सिल है मेरे पास जिसमें ये मीडियल साइड के क्रिप्ट है और ये लैटरल साइड है, तो इसमें आपको पता है कि लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं टॉन्सिल में। तो लिम्फोइड फॉलिकल्स में छोटा छोटे से ऑर्गेनिजम्स जो है, एब्सेसिस जो थी, माइक्रो एब्सेसिस उन्हें कहेंगे। माइक्रो एब्सेसिस का मतलब है थोड़ा थोड़ा से एब्सेस। एब्सेस का मतलब है कोई भी कैविटी जिसमें ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटीजन थोड़ी सी अमाउंट में प्रेजेंट है और साथ पस वगैरह, वो थोड़ी थोड़ी सी रह गई थी और उनके गिल्ट फाइब्रस टिश्यू की एक कवरिंग बन गई थी उस टाइम जब एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हुआ था। उसके बाद वो देखने में रिजॉल्व कर गया, लेकिन माइक्रो एब्सेसिस आपकी लिम्फोइड फॉलिकल में प्रेजेंट रह गई जो जरा जरा से फाइब्रस टिश्यू में इनकोडेड थी। इस वजह से उस वक्त उनने अपने आप को अंदर रिटेन कर लिया, हमें पता नहीं चला। फिर बाद में जब कभी उनने देखा कि अब तो यार दवाइयाँ शवाइयाँ लेना खत्म हो गया, सारा सिलसिला ठीक हो गया, फिर वो एब्सेसिस आहिस्ता आहिस्ता बड़ी दोबारा से होने लगी, एंटीजन दोबारा बढ़ने लग गया और फिर वो क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में डेवलप हो जाता है। मतलब एक इन्फेक्शन जो लंबा चलता जा रहा है जा रहा है जा रहा है, हल्का हल्का मुसलसल पेशेंट को कंप्लेन है। एक कॉज तो ये होती है। दूसरी कॉज ये होती है कि पहले जो कोई, मतलब ये तो हमें था ना कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का एक अटैक हुआ है, उसके बाद क्रॉनिसिटी आई है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो इन्फेक्शन होता है वो सब क्लिनिकल होता है, मतलब ये कि हमें नहीं पता चला कि टॉन्सिलाइटिस हुआ है, लेकिन काफ़ी अरसे से कि जो आपका टॉन्सिल है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही थी और आखिरकार अब वो आहिस्ता आहिस्ता मैनिफेस्ट हो रही है। मतलब पेशेंट को हमेशा वो कहते हैं कि मुझे तो बहुत अरसे से हल्की हल्की खांसी और गले में इरिटेशन है। वो कहते हैं कि बार बार गला साफ करना पड़ता है इस किस्म की, लाइक गले में इरिटेशन है, खाते में थोड़ा सा मसला होता है। तो ये बात कब से, 6-7 महीने से तो मुझे ऐसा है। तो मतलब ये कि सब क्लिनिकली कोई इन्फेक्शन मुसलसल चल रहा था जिससे ऐसा हो गया। ठीक है, और इन्फेक्शन जाहिर है इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स जो नॉर्मल होते हैं उन्हीं का है। तीसरी बात ये हो सकती है कि आपका जो आसपास एरियाज है, लाइक कोई टीथ का या साइनसिस का कोई इन्फेक्शन है जो क्रॉनिक है, मतलब क्रॉनिक साइनसाइटिस है, क्रॉनिक आपको कोई ओरल कैविटी का दूसरा इन्फेक्शन है जो आपकी टॉन्सिल्स को भी इफेक्ट कर रहा है क्रॉनिसिटी में, और वो क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, तो जो क्रॉनिक है ये ज़्यादातर यंग एडल्ट्स में होते हैं। एक्यूट मैंने आपको बताया था बच्चों में कॉमन है और ये यंग एडल्ट्स में कॉमन है। अब आपके पास इसीलिए बताएं हिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज हिस्ट्री आपके पास यंग एडल्ट की होती है कि आपके पास 20-21 ईयर्स का कोई बंदा आया। टाइप्स क्या है इसकी, जिस तरह से एक्यूट की थी ऑलमोस्ट वैसे ही है। क्रॉनिक फॉलिकुलर क्या है, जिसमें आपके लिम्फोइड फॉलिकल्स अभी ऊपर ऊपर से इफेक्ट हुए हुए होंगे और आपका चीजी मटीरियल जो है वो इन क्रिप्ट्स में भरा हुआ होता है। सॉरी, लिम्फोइड फॉलिकल्स तो इसमें इफेक्ट नहीं होते, इसमें आपका जो क्रिप्ट्स है वो इफेक्ट होती हैं और क्रिप्ट्स में चीजी सा मटेरियल भर जाता है और वो आपको अपेयर किस तरह होता है, छोटा सा टॉन्सिल जो आपको नजर आते हैं तो उस पर आपको येलो येलो से फॉलिकल्स बने हुए नजर आते हैं। तो बेसिकली कलेक्शन ऑफ ये चीजी येलो कलर का मटेरियल है जो वो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है वो आपको आपके टॉन्सिल के ऊपर नजर आता है, उसको हम कहते हैं क्रॉनिक फॉलिकुलर टाइप। जिस वाले टाइप में आपका ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अंदर पेरेन्काइमा ऑफ टॉन्सिल को इफेक्ट कर चुका है और अंदर सारा का सारा उसने अपना असर कर दिया, जिसकी वजह से टॉन्सिल का साइज भी काफी बड़ा हो गया है। टॉन्सिल्स दोनों साइड के इतने बड़े हो गए कि वो आपस में मिड लाइन में मीट करने लगे हैं, एरिथेमेटस हैं, रेड कलर के हैं, टेंडर टू टच है, तो वो क्रॉनिक पेरेन्काइमेटस टाइप होती है। और क्रॉनिक फाइब्रॉइड टाइप है कि आपका अंदर चला गया था एंटीजन, उसने अंदर फाइब्रोसिस शुरू कर दिया, इस वजह से टॉन्सिल का साइज नॉर्मल है क्योंकि उसने इन्फ्लेमेशन नहीं किया, लेकिन उसने अंदर फाइब्रोसिस करने लगी और इन्फेक्शन अंदर ही और अंदर वो पस बना रहे। तो ऐसे में अगर हम टॉन्सिल को प्रेस करते हैं ना तो पस निकलती है क्रिप्ट में से। ठीक है, तो वो इस वजह से उसे हम क्रॉनिक फाइब्रॉइड टाइप कहते हैं। तो ये 3 टाइप्स हैं इसकी। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे पेशेंट के, पेशेंट उन्हें रिप्रेजेंट करेगा सोर थ्रोट है, काफ़ी अरसे से एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के हो सकते हैं, उसे बार बार अटैक होते हो, मतलब हर कुछ अरसे बाद उसे टॉन्सिल्स का मसला होता हो, मुंह से बुरा टेस्ट, सॉरी जो है वो बैड टेस्ट इन माउथ मुसलसल होना बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक इन्फेक्शन, ये भी हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि अगर थिक चीजी टाइप सिक्रीशन है तो फिर उसकी स्पीच भी उसी किस्म से, उसकी बोलने की एबिलिटी भी खराब होगी और वो कहेगा बार बार गला साफ करना पड़ता है, स्वेलोइंग में
डिफिकल्टी हो सकती है सोने में, यानी सांस लेने में डिफिकल्टी हो सकती है, स्लीप एपनिया हो सकता है पेशेंट को, यानी कि सोते हुए अचानक से सांस रुक जाना। तो वो बेसिकली इसी वजह से होता है कि सोते हुए आपकी जब सिक्रीशंस एक्यूमुलेट हो जाती हैं तो फिर यू गेट स्लीप एपनिया। तो ये सारे फीचर्स होंगे। एग्जामिनेशन पे हमें क्या नजर आएगा? अगर एक्यूट क्रॉनिक फॉलिकुलर होगा तो हमें येलो येलो फॉलिकल्स नजर आएंगे। क्रॉनिक पेरेंकाइमेटिस होगा तो बड़े रेड कलर के टॉन्सिल्स होंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे एक्यूट में थे। हिस्ट्री आपको गाइड करेगी कि एक्यूट है या क्रॉनिक है। क्रॉनिक फाइब्रॉइड टाइप में आपको साइज ऑफ टॉन्सिल नॉर्मल ही नजर आएगा, लेकिन आप उसे प्रेस करेंगे ना तो वो उसमें से पस निकलेगी, तो वो क्रॉनिक फाइब्रॉइड टाइप होगी। उसके अलावा जो एक करेक्टरिस्टिक साइन है कि आपका जो इंटीरियर पिलर होता है, मैंने आपको बताया था ना कि टॉन्सिल की एक तो मीडियल सर्फेस है, एक लैटरल सर्फेस है, और जो इंटीरियर होता है वो उसका पिलर होता है, यानी सीवीसी इंटीरियर लाइन होती है, वो बहुत फ्लशी और रेड कलर का होता है। जो आपका बाकी सारा फ्रेंजल म्यूकोजा होगा वो नॉर्मल कलर का होगा, ये फ्लशी रेड होगा, चमक रहा होगा, तो वो साइन होता है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस का। उसके बाद आपके जो जुगलोडिगैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स है, मैंने आपको बताया था ये जो आपके गर्दन के थोड़ा सा नीचे होते हैं, ये इनलार्ज होंगे। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में हमेशा टेंडर नोड्स होते हैं लिम्फ नोड, जुगला डायगेस्ट्रिक, लेकिन इसमें सिर्फ इनलार्ज होते हैं, टेंडर नहीं होते, तो ये भी साइन होता है क्रॉनिक का। तो दो जो साइंस है वो फ्लशिंग ऑफ इंटीरियर पिलर एंड जुगलो डायगेस्ट्रिक लिम्फ नोड्स की इनलार्जमेंट विदाउट टेंडरनेस। अच्छा, ट्रीटमेंट हमने क्या करनी है? पहले तो जो भी कॉज है उसको निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्रॉनिक साइनसाइटिस या दांत का मसला या एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के अटैक्स हो रहे हैं तो उनको देखना है। पेशेंट की डेंटल हाइजीन और जनरल ओरल हाइजीन की उसे ज़रूर हिदायत करनी है, और फिर साथ एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर देनी है। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा इशू दे रहे हैं टॉन्सिल्स, लाइक बिल्कुल मिड लाइन में मीट कर रहे हैं, स्वेलविंग बिल्कुल नहीं हो पा रही, पेशेंट मेल नरिश्ड है और सांस लेने में मसले, स्लीप एपनी है, तो फिर हम टॉन्सिलेक्टमी कर देंगे। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं? सेम वही हैं जो एक्यूट की हो सकती हैं। आपकी सबसे पहली पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। पेरिटॉन्सिलर का मतलब मैंने आपको बताया था, अभी मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगी भी आपको, कि टॉन्सिल फाइब्रस कैप्सूल और जो पीछे हमारा फेशिया था उनके दरमियान में अगर एब्सेस बन जाए वो पेरिटॉन्सिलर एब्सेस है। इसी के बाद फिर रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस, पैराफेरेंजियल एब्सेस, ये सारी हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीन और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एक ये होता है कि अगर मुसलसल आपकी क्रिप्ट जो है वो ब्लॉक रहती है ना किसी मटीरियल से, तो उस क्रिप्ट उस मटेरियल के इर्द गिर्द कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो आप फूड खा रहे हैं उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम तो है ना, उसकी डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। तो जब कैल्शियम और मैग्नीशियम किसी चीज़ के गिर्द गिर्द डिपॉजिट हो जाए ना, तो वो उसको स्टोनी हार्ड कर देते हैं। तो क्या होता है कि छोटी सी स्टोन बन जाती है इन योर टॉन्सिलर क्रिप्ट, उसको हम कहते हैं टॉन्सिलोलिथ, ठीक है। लिथ का वर्ड हम हमेशा टोन स्टोन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो टॉन्सिलोलिथ इज अ स्मॉल कैलकुलस इन द क्रिप्ट बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अराउंड द सिक्रीशन। तो ये जो फिर इसके हमें क्या करना है कि इसको हमने सर्जिकली छोटी सी लिथ को रिमूव कर देना, और अगर जरूरत पड़े तो टॉन्सिलेक्टमी करनी पड़ती है। और अगर हमारे पास ये हो कि टॉन्सिल के अंदर बहुत ज़्यादा पस क्रिएट हो जाए तो उसे हम फिर कहते हैं इंट्रा टॉन्सिलर एब्सेस, ठीक है, जिसे मैंने कहा क्रॉनिक फाइब्रॉइड टाइप में जो अक्सर हो जाती है। और अगर हमारे पास ऐसा हो कि हमारी जो टॉन्सिलर ये वाली क्रिप्ट है ये ब्लॉक होगी किसी चीजी मटेरियल से और उसके गिर्द एक पतली सी कवरिंग बन जाए, मतलब एक तो कैल्शियम मैग्नीशियम की कवरिंग थी ना वो तो पूरा स्टोन बन जाती है, अगर पतली सी कवरिंग बन जाएगी तो ऐसे एक छोटी सी सिस्ट यहाँ बन जाती है, वो फ्लक्चुएंट होती है उसे हिलाए, तो वो सिस्ट फिर हमें उसे हम कहते हैं इंट्रा टॉन्सिलर सिस्ट या टॉन्सिलर सिस्ट बल्कि, क्योंकि वो टॉन्सिल की सरफेस पे होती है, तो फिर हमें उसको भी रिमूव करना होता है या ड्रेन करना होता है। तो यहाँ पर क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस खत्म हो जाती है। इसको कर लेना आपने अच्छे से, आसान तरीन टॉपिक है, कोई मसला हुआ यू कैन ऑलवेज आस्क मी। थैंक यू।